ये कि नैतिकता ना बहुत जरूरी चीज होती है, और नैतिकता, एक तो नैतिकता का पंगा क्या है कि इंडिविजुअल है, नैतिकता सामूहिक नहीं है। हीगल का इसीलिए फिलोसफी नकार दी गई बाद में, नैतिकता ना इंडिविजुअल है। चोर के अंदर की नैतिकता नहीं होती, होती है, वो चोरी को जस्टिफाई करती है उसकी नैतिकता। हमारी जो सबसे पॉपुलर बुक है, धार्मिक किताब हम जिसको मानते हैं, गीता, श्रीमद् भगवद् गीता, ये पूरी की पूरी डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेटिक बुक है। वेद व्यास ने महाभारत का उपनिषद है गीता, तो वेद व्यास ने जब महाभारत लिखी, उसमें युद्ध का जो पहला सांख्य अध्याय आता है, और इसमें जब यहाँ से इनका गीता शुरू होती है, तो दो लोगों की आपस में कन्वर्सेशन है, उसको पिक कर लिया गया। ये कहा गया कि अर्जुन मतलब अर्जुन नहीं, अर्जुन मतलब हम लोग हैं, चलो जी इसको भी हम मान लेते हैं। कायदे में तो ये कि दो लोगों की कन्वर्सेशन है, वो उस समय की सिचुएशन, उनकी उस पर्सनल आदमी की सिचुएशन। मनोस्थिति। हाँ, अपनी अब पर्सनल जो सिचुएशन। अर्जुन की मनोस्थिति थी, जरूरी थोड़ी कि वो मेरी भी हो तेरी भी हो जीवन में, तो ये दो लोगों का निजी कन्वर्सेशन था। उन्होंने बैठ के दुनिया को नहीं बोला, क्योंकि दुनिया को बोलते तो सामूहिक नैतिकता की बात करते हैं। हाँ उन्होंने अर्जुन को नपुंसक बोला, तो हम सारे नपुंसक हो गए क्या? एक आदमी बंदूक लेकर बॉर्डर पे खड़ा है, तो सिर्फ वो थोड़ी बहादुर है, एक वो आदमी भी बहादुर है जो महंगाई से लड़ रहा है, रोज सुबह 9 to 5 कर रहा है, अपने सपनों को कुचल रहा है, अपने घर को चलाने के लिए जंग लड़ रहा है, तो वो भी तो बहादुर है। सही बात वो है। भी, उसको भी कोई गाली दे तो वो बाहर निकल के उसका सिर फोड़ सकता है, पर नहीं फोड़ता, रोकता है कि नहीं यार मेरा परिवार मेरे पर निर्भर है, तो वो भी तो बहादुर है। एक औरत पढ़ लिख करके लड़की आती है, उसके भी सपने होते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगी, वो बनूंगी, फिर वो शादी करके घर में सारे सपने वो करे। हर आदमी अपने लेवल पे बहादुर है, खाली बहादुर वो थोड़ी जो बंदूक लेके खड़ा है, वो दिख रहा है हमें बहादुर। लड़ाई तो 10 साल में एक बार होती है, ये आदमी तो रोज लड़ाई लड़ता है, सही आम बात है। आदमी तो रोज लड़ाई लड़ रहा है ना, उसकी तो रोज की जंग है, वो तो रोज का सिपाही है। तो वो गीता वाली बात क्यों चली थी? वो गीता एक डिप्लोमेसी बुक है। हाँ, तो कृष्ण जो है वो एक सबसे बड़े डिप्लोमेटिक थे। कृष्ण, जैसे वो नकुल से पूछा युधिष्ठिर ने कि यार देख लड़ाई में कोई फायदा तो है नहीं, और लड़ाई बिना मतलब बहुत नुकसान होगा, उधर भी लोग मरेंगे इधर भी लोग मरेंगे, चलो हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है प्रॉपर्टी को लेकर के, अब ये तो कैसे बोले प्रॉपर्टी को लेके, तो इसको नाम दे दिया धर्म धर्म के अधर्म। हैं। हाँ, ठीक है चलो जी, तो सही गलत तुम्हारा था, वो अनजान सिपाही जो तुम्हारे लिए सिपाही तो मरने था। मारने को तैयार है, उसके बीवी बच्चे अनाथ होंगे, बीवी विधवा होगी। तो युधिष्ठिर ने बोला, हर आदमी चाहता है लड़ाई से बचे अगर समझदार है, तो युधिष्ठिर ने बोला कि यार लड़ाई को कैसे अवॉइड रोका जाए, करते हैं। हाँ, कैसे रोके? तो नकुल जो था उसको ग्रह नक्षत्र की बड़ी जानकारी थी, मतलब वो ये एक्चुअली में ना वेद व्यास की कल्पना थी। तो उन्होंने, वेद व्यास जो थे उनके फादर कौन थे? पराशर जी। पराशर जी वैदिक ज्योतिष के निर्माता थे, मतलब सबसे पहले अगर ज्योतिष बोले जाए तो वो वो आप आर्य है। पराशर जी को बोलोगे, ग्रह पराशर होरा, आज भी वो सबसे वैदिक पुस्तक है। तो उन्होंने नकुल को, हर हर पांचों में एक एक क्वालिटी थी। नकुल में एक क्वालिटी ये थी कि भी उसको तारों सितारों की गणना, कैलकुलेशन करना, प्रिडिक्शन करना आता था। तो युधिष्ठिर ने बोला, भाई क्या कहते तेरे तारे सितारे, भाई लड़ाई को कैसे रोके? नकुल ने बोला कि अगर इस लड़ाई को रोकना चाहते हो, तो ये जो सामने आदमी बैठा है ना, इसको बांध लो रस्सी से और इसके मुंह पे टेप लगा दो, ये लड़ाई रुक जाएगी। कृष्ण हाँ, जी। क्योंकि कृष्ण जी ने जो भी मैसेज देना था, कृष्ण जी चाहते तो ये लड़ाई होती नहीं, पर उन्होंने दुनिया को मैसेज देना था या खुद मजे लेने थे या जो भी रीजन था, उन्होंने ये लड़ाई होने दी। तुझे मालूम है युधिष्ठिर ने यहाँ तक लास्ट में एक मैसेज भेजा कृष्ण के हाथ कि यार दुर्योधन को बोलो छोड़ बिना, मतलब बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। कांड तो रामायण में थे, इसमें तो पर्व थे। देखो जो रामायण शांति से चली थी, उसमें तो हर अध्याय को कांड बोला गया, सुंदर कांड, बाल कांड, ये उत्तर कांड, ये कांड, वो कांड, और यहाँ पर पर्व बोला गया। जबकि यहाँ पे युद्ध हो यहाँ तो छल कपट रहा शुरू से ही चल रहा था। तो युधिष्ठिर ने कृष्ण को कहा कि भी आप जाओ, आप जाके उनको बोलो, दुर्योधन को। दुर्योधन को बोलो कि भाई तू ना, हम 5 लोग हैं, हमें 5 गांव दे दे, हम 5 गांव लेके अपना अशांति से रह लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिना मतलब कलेशबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। ये गए तो अब दुर्योधन भी थोड़ी जाएगा कि यार कोई भी देश नहीं जाएगा, उसको मालूम है लड़ेंगे तो हमारा भी पैसा खर्च होगा, हमारे भी आदमी मरेंगे, योद्धा मरेंगे। तो दुर्योधन, इनको जैसे ही लगा ना कि दुर्योधन मान सकता है, 5 गांव है क्या यार, हाँ,
बाकी साम्राज्य उनको मिल रहा है। इन्होंने कहा पांच गांव ना तेरे ना राजमहल के सामने ही चाहिए, चारों तरफ, मतलब ऐसे पांच गांव, एक इधर, मतलब जब भी तू सामने आए तो तुझे वो पांच गांव दिखे जिनमें भाई वो बचपन से उनके में कंपटीशन रहा है, चचेरे भाइयों में हमेशा से वो रहता है, तो उनमें वो बड़ा कंपटीशन रहा है। अब एक वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि मैं रोज सुबह निकलूं और सामने बड़े डेवलप मुझे मॉडर्न गांव मिले और वो गांव मेरे ही उनके हो दुश्मनों के, जिनसे मैं कलपता रहा हूँ बचपन से। इन्होंने पांच गांव हस्तिनापुर महल के आसपास ही चाहिए, सामने ही चाहिए, ये अपनी तरफ से एड ऑन कर दिया। इसलिए नकुल ने कहा था कि इस आदमी के मुंह पर टेप लगा दो, इसको बांध लो, ये लड़ाई रुक जाएगी, क्या करे। तो आज वो गीता ऐसी है कि चोर पड़े तो उसको लगता है मेरे लिए लिखी है, बेईमान पड़े तो उसको लगेगा मेरे लिए लिखी है, ईमानदार पड़े तो उसको लगेगा मेरे लिए लिखी है, लाला सुखीलाल पड़ेगा तो उसको लगेगा मेरे लिए लिखी है, बिरजू पड़ेगा तो उसको लगेगा मेरे लिए लिखी है, बिरजू की माँ पड़ेगी मदर इंडिया तो उसको लगेगा मेरे लिए लिखी है। मतलब बिरजू डाकू बना तो जस्टिफिकेशन, लाला सुखीलाल के पास में पैसा बटोरने का उसके पास जस्टिफिकेशन, और बिरजू की माँ ने बिरजू को गोली मार दी उसके पास अपना नैतिकता का जस्टिफिकेशन। तीनों की नैतिकता अलग अलग थी भाई, लाला सुखीलाल की नैतिकता को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो भाई वो भी तो अपनी बेटी का भला चाहता था, दहेज देना था, दहेज देने को भी तैयार था, तो वो दुनिया का खून चूस रहा था, वो अपना बिजनेस कर रहा था, वो उसके दृष्टिकोण से देखोगे तो वो उसके पास भी, क्योंकि तीनों ने ही गीता पढ़ी है। पर हमारे यहाँ पे एक गीता ऐसी हुई है, गीता एक थोड़ी है, गीता कम से कम अगर आप देखने जाओगे तो 60-65 या उससे भी ज्यादा गीता है। गीता मतलब गीत के द्वारा बोला गया सार। तो एक तो भगवत गीता है, एक अष्टावक्र गीता है, और ऐसी बहुत सारी गीताएं हैं, पर इसमें जो सिर्फ प्रसिद्ध हुई वो भगवत गीता हुई, बाकी सारी गीताएं लुप्त पड़ी हुई हैं। ढूंढ ढांड के निकालोगे तो आपको मिल जाएगी, लाइब्रेरी में मिल जाएगी, गूगल करोगे गूगल पे मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे जिसको इंटेंशनली दबाया गया वो थी अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र की गीता ना डिप्लोमेटिक नहीं थी, वो कहता है कि अगर तुमने चोरी करी है तो चोरी करी है, फिर चाहे तुम्हारी माँ मर रही थी तुमने उसकी दवाई के लिए चोरी करी, या तुमने अपने आईफोन खरीदने के लिए चोरी करी, चोरी करी तो चोरी करी, इसमें तुम जस्टिफाई नहीं करोगे, जस्टिफिकेशन नहीं था। फिर भगवत गीता में हर कोई ज्ञानी बन सकता है, अष्टावक्र ने कहा ज्ञानी वही बनेगा जो शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से आलसी होगा। इतना आलसी को कैसे बोला कि वो व्यक्ति जिसको पलक झपकना भी एक बहुत बड़ा काम लगे, जो विशुद्ध आलसी है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता। मतलब सोचो कि कितना शून्य में जी रहा होगा आदमी जिसको पलक झपकना भी एक बोरी लगे। इसीलिए देख लो दुनिया में ज्यादातर जितने भी लोग कामयाब हैं उनमें मैक्सिमम लोग बहुत लेजी टाइप के लोग रहे हैं, लेजी होने की वजह से वो लोग पढ़ाई में भी आगे नहीं रहे। आलसी आदमी क्या पढ़ाई पढ़ लेगा, जो पढ़ाई तो डिसिप्लिन के साथ करी जाती है कि एग्जाम आ रहा, एग्जाम से पहले सब रट लो तोते की तरह, आलसी आदमी से रटा ही नहीं जाएगा। तो ये जो नैतिकता हमारे इंडिविजुअल हो गए ना, अब जो आदमी वीडियो बना करके बोल रहा है कि ये जुआ खेल लो रिकवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, उससे पूछो तू ये क्या कर रहा होगा, मैं क्या करूं, दुनिया भी तो कर रही है, मेरे को भी तो बहन की शादी करनी है, मेरी भी माँ का मोतियाबिंद का इलाज कराना, उसके बाद 50 कराना है, मुझे भी तो फोन खरीदना है, मैं कब तक अपने बचपन के सपने को करता रहा, मेरे बाप ने मुझे 20 साल पहले चाटा मार दिया था, मेरे को फीस के लिए भेजा, वो ये सब निकाल के कहानियां ला के अपनी नैतिकता को जस्टिफाई कर देगा। पर ये बहुत कमाल की बात है कि अगर आप बाहर के देशों पे अध्ययन करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर बहुत सारे लाइन से फिलोसोफर क्यों हुए, मॉडर्न फिलोसफी बाहरी क्यों है, हमारे पास जितनी फिलोसफी है सब बाबा आदम के ज़माने की है भाई, या तो वेदांत के रूप में मौजूद है ना, या आप महावीर की बात कर लो, बुद्ध की बात कर लो, चाणक्य की बात कर लो, ये सभी लोग 2500 साल पहले हुए थे लगभग, ये समकालीन थे, मतलब सब 2500 के आसपास ही हुए थे 2500 साल पहले। पर मॉडर्न फिलोसफी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो जर्मनी वगैरह में जो सारे फिलोसोफर आए, सिगमंड फ्रॉयड आया, कार्ल जंग आया, हीगल, कांट आया, कार्ल मार्क्स आया, फ्रेडरिक नीत्शे, सार्त्रे, ये सब जो लोग आए, ये लोगों ने उन फिलोसफीज के अंदर एड ऑन किया। क्या कितनी कितनी गहरी फिलोसफी दी है इन्होंने, हम क्या कर रहे हैं, हम 2000 साल वाली फिलोसफी को लेकर कह रहे हैं देखो हमारी फिलोसफी बहुत बढ़िया है, हमारी फिलोसफी से ही लेकर के इन्होंने ये किया वो किया। ये सच है कि तुम्हारा 86 रुपया उनका 1 रुपया है, तुम्हारा 86 रुपया उनका 1 डॉलर है, आप पौंड ले लो, डॉलर ले लो, सिंगापुरी डॉलर ले लो, आप कुछ भी ले लो, आप उनसे पीछे हो, ये सच है। अगर तुम्हारी फिलॉसफी में दम है तो तुम आगे क्यों नहीं हो, सिंपल
तुम्हारी फिलोसफी में दम है, तुम्हारी नैतिकता में दम है, तो तुम पे ही हमेशा राज क्यों किया गया? तुम्हारे ही देश के लोग गद्दार क्यों निकले? तुम्हारे देश के लोग ही लालची क्यों निकले? तुम्हारे देश के लोग ही जूते चाटने वाले क्यों निकले? क्यों उनके आगे लेट गए? अगर किले का दरवाजा किसी गद्दार ने खोला तभी तो सेनाएं अंदर घुसी ना। आपको हिंदुस्तान की कोई भी हिस्ट्री उठा लो, आपको हर जगह पे दो चार गद्दार मिल जाएंगे। मतलब तुम्हारी फिलॉसफी, तुम्हारी नैतिकता काम नहीं आई। आजादी के बाद में क्या कर लिया, तुम्हारी कौन सी फिलॉसफी काम आ गई? आज भी तुम्हारे यहाँ पे करप्शन होता है इतने बड़े पैमाने पे, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पे घोटाले हो रहे हैं। आज भी तुम्हारा जो उनका करेंसी का डिफरेंस वो बढ़ रहा है, और फिर भी हम कह रहे हैं हमारी फिलॉसफी सबसे बेहतर है। अरे होगी बेहतर, पर नतीजा बेहतर नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ हमारी फिलॉसफी दुनिया में सबसे बेहतर है, पर नतीजा नहीं है जी। अच्छा, नतीजे में हम उनसे बहुत पीछे हैं, तो अब क्या करें? उसका वर्तमान में डाल के अचार डालें? उन्होंने अपनी फिलॉसफी को समझा, उसमें करेक्शन किया, उसको माना। सार्त्री ने तो बैड फेथ करके इसको नकारा। उससे पहले एक वो करके गार्ड था, उसने हीगल को चैलेंज किया। आप हमारे यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो शंकर को? ये शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, वो शंकर नहीं। मतलब आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप वेदों को चैलेंज नहीं कर सकते, आप शास्त्र को चैलेंज नहीं कर सकते। बात हमारे शास्त्रों में लिखा, अरे हजार से ज्यादा किताबें हैं शास्त्र में, कौन से शास्त्र की बात कर रहा है? किसने कब किस सर्कमस्टांसेस में किस देशकाल परिस्थिति में चीजें लिखी? आज आप 5,000-10,000 साल बाद भी उस बात को मान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, नतीजा दिखाओ ना बेहतर। मैं जब उनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इनके देश के पल्ले कुछ नहीं, हमारे देश में इतने संसाधन है, सिंगापुर के पल्ले कुछ नहीं। दुबई ने रेगिस्तान के अंदर रेत के ऊपर शहर खड़ा कर दिया, दुनिया का सबसे महंगा और सबसे पॉपुलर शहर दुबई खड़ा हो गया। हमारे पास कृषि प्रधान है, समुंदर है, पहाड़ है, बर्फ है, सब कुछ है हमारे पास, पर एक चीज नहीं है, ईमानदारी, वफादारी। खाली 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा लेके खड़े हो गए तो देशभक्त बन गए। बहुत ज्यादा आजकल तो देशभक्ति ये है कि अपने देश के आगे या तो अपने अपने नाम के आगे हिंदुस्तान वगैरह जोड़ लो, भारतीय है, या वो भगत सिंह की टी शर्ट पहन लो और 2-4 गंदी गालियां दे दो मुसलमानों को, पाकिस्तान को, तो आप देशभक्त बन गए। पहले क्या होता था, देशभक्त वो होता था जो 15 अगस्त को खाली झंडा लहरा रहा है तो जी देशभक्त। अब तो DP पे लगा दिए, अबे लगा दिया तो देशभक्त बन गए, फिर जब हटाया तो क्या गद्दार थे? फिर हटाया क्यों तुमने? हटाने पर क्या बोलोगे अपने आप को? जितने लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लगा देते अपने DP में, तो ये लोग बाद में हटाते भी तो हैं। तो लगाते हैं देशभक्ति साबित करने के लिए, तो हटाते किस बिना पे? क्या बोल के हटाते होगे अपने आप को कि आज हमारा मन भर गया हमने झंडे से? ये हाल कर रखा है। तो वो मैं जब उन लोगों से मिलता हूँ या बात होती है, अब मेरी ज्यादातर बात होती है वहां पे यूरोप के लोगों से, बड़ी हैरानी होती है कि यार इनके पास संसाधन कम है, छोटे छोटे देश है, हमारे एक राज्य जितने देश है और दुनिया पर राज कर रहे हैं, इतने सुख से रह रहे हैं, कोई आतंकवाद नहीं, कोई करप्शन नहीं, हैप्पी इंडेक्स में हमसे आगे, फिनलैंड को देखो, नॉर्वे को देखो। हम यहाँ पे देशभक्ति करके बैठे, वो हमें लात मार मार के वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ बोल दो तो आप, हम इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि आप अगर इन कमियों पे बात करोगे तो आपके देश के लोग ही आपको मारने पीटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये तो तब भी होता था, जो गद्दार होते थे वो भी तो यही करते थे। हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कहां पे जाके चेंजेस किया। 1,000 साल यूरोप में अंधकार युग रहा, डार्क एज, 4th शताब्दी से शुरू हुआ था, 15वीं शताब्दी तक चला। 1,000 साल कोई क्रांति नहीं हुई यूरोप में, कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ, कोई खोज नहीं हुई बड़ी, और जो थोड़ी बहुत खोज या रचनाएं रची भी गई तो वो चर्च के अंदर या धार्मिकता के अंदर रहते हुए। क्या होता था, ब्लैक डेथ, बीमारियां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, इलाज नहीं है, बेहतर दवाइयां नहीं बन रही है, हॉस्पिटल नहीं बन रहे, बस ईश्वर की अनुभूति कर रहे हैं। फिर वहां पे जब अति हो गई तो फिर उन्होंने, युवाओं ने बीड़ा उठाया, फिर उन्होंने जाके जब सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के ग्रंथ पढ़े तो उन्होंने कहा यार हमारे को तो इतना पूर्वज बोल गए थे, सब कुछ समझा गए थे, फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर आए ये फ्रेडरिच नीत्शे जैसे लोग, आई किल गॉड। जर्मनी का एक इतने टुकड़े हो गए थे, आसपास के सभी देशों ने उसके जर्मनी के थोड़े थोड़े हिस्सों पे कब्जा कर रखा था, कम से कम 8-10 देशों ने कर रखा होगा, और सब बैठे हुए हैं।
ईश्वर एक दिन सबको सबक सिखाएगा और हमारा देश आजाद करवाएगा। फिर फ्रेडरिच नीत्शे ने एक दिन बोला कि भाई तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं, हम क्या कर सकते, तो जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा, हम तो रंगमंच की कठपुतली हैं, हमारे तो डोर उसके हाथ में है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम बस पढ़ लिख रहे हैं, नौकरियां लग जाएंगी, घर चल जाएगा। सब ने बोला ईश्वर ही करेगा। इसने क्या किया, एक पुतला बनाया, चौराहे पे ले गया और उसको डंडे से पीट पीट करके बोला कि देखो जी ये रहा तुम्हारा भगवान, मैंने मार दिया, अब ये तुम्हारा भगवान मरा पड़ा है, अब ये तुम्हारा भगवान मर गया है, अब कौन बचाएगा, अब बताओ कौन बचाएगा जर्मनी को, अब जर्मनी तो बर्बाद हो जाएगा, कौन बचाएगा जर्मनी को। सबने बोला ये हम बचाएंगे, अगर भगवान नहीं आया आज तक और भगवान को तुमने मार ही दिया, एक्चुअली में पुतला बोलते हैं वो एक्चुअली में क्रॉस था, अब क्रॉस बोल नहीं सकते, तो उसने बोला कि ये लो ये रहा तुम्हारा भगवान, तुम इसी की तो पूजा करते हो, मैंने तोड़ दिया, लाके मार दिया भगवान को, अब कौन बचाएगा जर्मनी को। सब खड़े हो गए कि अब हम बचाएंगे, और फिर इतनी जबरदस्त क्रांति हुई कि जर्मनी ने अपने आप को संगठित किया और सारे देशों से आजाद करवाया। चलो बस करो।